बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? एक गुलशन या बाग एक इंसान नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए बायस सुकून और राहत होता है। उससे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पूरी कायनात फायदा उठाती है। और उस गुलशन में खिलने वाला हर एक फूल अपनी खूबसूरती और दिलकशी के साथ साथ अपनी खुशबू से अपने इर्द गिर्द में बहुत खूबसूरत खुशबुएं बिखेरता है। इस सब की वजह उस गुलशन का बागबान होता है, वो बागबान जो अपना आराम कुर्बान कर देता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि आने वाले वक्त में यही गुलशन इंसानियत के लिए फायदा पहुंचाएगा। आने वाले वक्तों में इसी गुलशन से कोई ऐसी जड़ी बूटी हासिल होगी जिससे किसी लाइलाज मर्ज का इलाज मुमकिन हो पाएगा। यही सोच, यही उम्मीद और यही यकीन उस गुलशन के बागबान को कभी भी थकने नहीं देती, और वो पूरी तवज्जो, पूरी मेहनत और लगन के साथ उस गुलशन की आबियारी करता रहता है। दोस्तों जरा तवज्जो कीजिएगा, आप ही वो गुलशन हैं और आपके असातिज़ा, आपके डायरेक्टर साहब और आपके प्रिंसिपल वो बागबान हैं जो दिन रात एक करके आपको रंग बिरंगे फूलों की तरह ऐसे फूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपनी खुशबू से फिजा को हमेशा मुअत्तर रखें। दोस्तों आप यकीन कीजिए, अगर आप हिम्मत करें, वक्त की कदर और कीमत को जानें, अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूत रखें, तो कल को आप ही में से कोई रूमी उठेगा, आप ही में से बहनों की इज्जत का मुहाफिज मोहम्मद बिन कासिम उठेगा, आप ही में से दर्द दिल से कौम को बेदार कर देने वाला इकबाल उठेगा। दोस्तों आप बात कर लेते हैं हमारी जमात के स्कूल में सफर करने की। हमारी जमात में ऐसे तलबा मौजूद हैं जो कि प्ले ग्रुप से स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, और हम सब को, हमारी जमात के तमाम तलबा को ये बात बताने में फख्र होती है कि हमने इतने साल स्कूल में गुजारे, और हमें फख्र है कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए इस इदारे का इंतखाब किया। इस इदारे ने, यहाँ के दोस्तों ने, यहाँ के असातिज़ा ने, यहाँ के डायरेक्टर साहब ने हमें वो कुछ दिया जिस पर हम इनका जितना शुक्र अदा करें कम है। सबसे अहम चीज जो कि आपको हमारे स्कूल के बच्चों में नजर आती है वो है स्टेज पर आकर बात करने का तरीका। आपने बड़े बड़े लोग देखे होंगे जो लोगों के सामने नहीं खड़े हो सकते, उनकी जबानें लड़खड़ा जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल का बच्चा, चाहे वो छोटी क्लासेस का हो या बड़ी का, वो पूरी खुद एतमादी से बोलता है। उसकी पर्सनैलिटी इतनी खूबसूरत है कि वो अपनी बातचीत और चाल ढाल से बताता है कि वो दूसरे स्कूलों से द बेस्ट स्कूल एजुटॉप का स्टूडेंट है। और ये सब कुछ असातिज़ा की मेहनत, उनकी तरबियत और हमारे डायरेक्टर साहब के उस विजन का नतीजा है कि हमने बच्चों को इम्तिहान के लिए नहीं बल्कि आने वाली जिंदगी के लिए तैयार करना है। दोस्तों हम सब आज, ये बॉयज कैंपस है, 5 साल पहले जब हम गर्ल्स कैंपस से बॉयज कैंपस में आए तो हमारे लिए बिल्कुल ये एक नई दुनिया थी। जिस तरह आज के 6ठी क्लास के बच्चे इस कैंपस में एडजस्ट होने की कोशिशें कर रहे हैं, तो हमें भी इसी मुश्किल का सामना करना पड़ा। आप खुद इस बात को जानते हैं कि जब आप एक टीचर से पढ़कर डायरेक्ट जाओ जलाल वाले अब्दुल रऊफ साहब की शागिर्दी में आते हैं तो आपके लिए एक नई दुनिया होती है। दोस्तों स्कूल में, इस स्कूल में बिताए गए हर एक लम्हा, हर एक पल हमारी जिंदगी का नहायत खूबसूरत हिस्सा है। स्कूल का लफ्ज सुनकर आप बचपन में डरा करते थे, लेकिन आज जब हमारी क्लास स्कूल से जाने वाली है तो स्कूल के लफ्ज से हमें मोहब्बत हो गई है। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी रुक जाए, हम यहीं पर रहें, हम कहीं ना जाएं। हम आज इस लफ्ज को सुनकर हमारी आंखें पुरनम हो जाती हैं। वही स्कूल का लफ्ज जिससे हम डरा करते थे, आज हम उससे मोहब्बत करने लगे हैं। जब आप सारे, हमारे जो जमात के बैठे हैं कुलीग्स, हम सारे छोटे हुआ करते थे, घर को छोड़कर रोते हुए यहाँ पर आए थे, रोते हुए ही यहाँ से जाएंगे क्योंकि ये खूबसूरत दिन हमें याद आएंगे। उसके बाद आप सबको आपके स्कूल की यादें दिलाता हूँ, ना सिर्फ आपको बल्कि यहाँ पर बैठे असातिज़ा और हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को यादें दिलाता हूँ कि आप सबको याद होगा कि जब आप सुबह सोए होते थे, देर से उठते थे, वैन वाला बैर हॉर्न बजा रहा होता था, लेकिन आप लंबी तान कर सोए होते थे, पहले वालदैन से डांट खाकर घर से निकाला जाता था आपको, फिर स्कूल में कोई उस्ताद आपका डांट ही से इस्तकबाल करता था।
फिर क्लास के अंदर जब उस्ताद दाखिल होता था तो हम एक लंबा सा सलाम अर्ज करते थे और उसके बाद क्लास में बिताए वो हसीन पल वो तो शायद भूलने के काबिल ही नहीं है, हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। एक बच्चा कभी कभार कोई ऐसी चीज ले आता था कि जब टीचर बोर्ड की तरफ मुतवज्जे होता था तो हम पीछे से वो चीज खाते थे, ना सिर्फ खुद खाते थे बल्कि अपने साथियों को भी खिलाते थे। फिर जगह पर बैठने के लिए जो झगड़े हुआ करते थे, और सबसे यादगार जो एक जुमला हुआ करता था जो रोजाना क्लास का माहौल बना देता था कि आज तू मुझे स्कूल के बाहर मिल, वो वाला जुमला भी हमें हमेशा याद रहेगा। उसके बाद ब्रेक के अंदर मोहतरम साद अब्दुल रहमान की लंबी लंबी इनिंग्स, और ब्रेक के अंदर चावल खाने के साथ साथ अगले पेपर की अगले पीरियड की तैयारी करना हमें कभी नहीं भूलेगा। इस स्कूल ने हमें इतने खूबसूरत लम्हात दिए, इतने खूबसूरत यादें दिए कि हम उन्हें भुलाना भी चाहें तो हम उन्हें भुला नहीं सकते। दोस्तों शायद आज तो आपको ये यादें ये बातें इतनी खूबसूरत ना लग रही हो, आपको शायद आज इससे कुछ खास फर्क ना पड़ रहा हो, लेकिन मेरा यकीन कीजिए कल को जब आप जिंदगी की पेचीदगियों में मसरूफ होंगे तो यही यादें यही लम्हात आपकी आंखों को पुरनम कर देंगी। इसी यादों को जब आप याद करेंगे तो आपके चेहरे पर बिला वजह एक मुस्कुराहट आ जाएगी। तो दोस्तों अब हम इस स्कूल से जाने वाले हैं तो हम ये चाहते हैं कि आपकी जो लाइफ ये बाकी है आप इसमें नई से नई चीजें सीखिए, जहां अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए, इस स्कूल के डायरेक्टर की इज्जत कीजिए और उनका जो कौम बनाने का एक विजन है उसको आगे लेकर चलिए। मेरा आपको यही पैगाम है कि सजा के आंखों में ख्वाब रखना, सजा के आंखों में ख्वाब रखना, वफा के रिश्ते गुलाब रखना, फसील शब में चिराग बनकर, फसील शब में चिराग बनकर ये जिंदगी महताब रखना, यूं इश्क का इम्तिहान देना, यूं इश्क का इम्तिहान देना के दिल के बदले में जान देना, जो चांद छूने की आरजू हो, जो चांद छूने की आरजू हो तो जुस्तजू लाजवाब रखना, हजार बातें बनाए दुनिया, हजार दिल को दुखाए दुनिया, भुला के सारी अजियतों को उठा के कांटे गुलाब रखना, कभी जमाने से चुप छुपा कर सकूत शब में दिए बुझाकर हथेलियों को दुआ की शमा, तू आंख अपनी जनाब रखना, तू आंख अपनी जनाब रखना, अदावतें भी अल्लाह की खातिर, मोहब्बतें भी अल्लाह की खातिर, अदावतें बस गिनी चुनी हो, मोहब्बतें बेहिसाब रखना। थैंक यू वेरी मच।